हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा लें, आल प्रेस कर लें। क्यों कर लें? जिससे कि हमारी कोई वीडियो की अपडेट तुरंत पहुंच रहे आपके पास। दोस्तों, जो छात्र आईटीआई किए हैं या नहीं किए हैं, सबके लिए जो है खुशी की बात है कि जो छात्र इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो भर्ती का वेट कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों जो है ऑनलाइन पोर्टल खुल गया है। क्या हो गया है? खुल गया है ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी, ऐसे खुल के आएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे हम लोग कहाँ? अग्निपथ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर खुल जाएगा रैली नोटिफिकेशन। ये देखिए खुल गया। देखिए अब यहाँ पर मैं पूरे इंडिया का दिया है ना, क्या दिया है? पूरे इंडिया का दिया है, लेकिन मैं अपने यूपी का डाउनलोड किया हूँ। कहाँ का? एआरओ वाराणसी। कहाँ का? यार वाराणसी। ऐसे ऐसे पूरा ऑल इंडिया का है। तब लोग जहां से बिलोंग करते हैं वहां से उस अपने यारों का निकाल के आप लोग अपनी जो है ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। दोस्तों देखिए, देखिए अभी क्या दिया। देखिए ना, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस मतलब एआरओ वाराणसी। देखिए अब कहूँ आएगा। देखिए जिला, देखिए देखिए जिला कौन जिला? देखिए जिला आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर एंड वाराणसी। ये जिले दोस्तों हैं जो एआरओ वाराणसी में ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका डेट क्या है? 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों 16 फरवरी 23 से लेके 15 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, जो इसका ऑनलाइन एग्जाम कितना है? 17 अप्रैल दोस्तों है ऑनवर्ड। ठीक है, सीबीटी का एग्जाम क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम होगा। क्या होगा? सीबीटी एग्जाम। ठीक है, अब दोस्तों जो है जो बच्चे आरटीआई किए हैं कितने? 20 स्टेट। दोस्तों पता है कि पहले गवर्नमेंट लीडर दिया था कि 2 साल वाले हैं तो 40 नंबर, 1 साल वाले 20 नंबर। पता बोलते ना, तो जो छात्र आरटीआई किए हैं इनमें 20 स्टेट वाले हैं, इनको मौका दिया गया है। भर्ती कहाँ होंगे? ये होंगे टेक्निकल में। क्या होंगे? अग्निवीर टेक्निकल। क्या दिया है? 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विथ 50, मतलब कि आपका जो है 10+2 होना चाहिए, आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ प्लस इंग्लिश, और 50% मार्क होना चाहिए। दोस्तों एग्रीगेट मतलब जो है 40% मार्क इच सब्जेक्ट। ठीक है, उम्र क्या होगी आपकी? 17.5 से 21 साल। समझ गए? या 10+2 इंटरमीडिएट पास साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम रिजल्ट स्टेट एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इंक्लूडिंग नॉयस एंड आरटीआई कोर्स, मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड फील्ड एनएसक्यूएफ लेवल 4। मतलब कि अगर 1 साल कोर्स है तो आप 10+2 है या दोस्तों, तो आपका जो है नंबर होगा कितना? इसमें देखो क्या दिया है, दिया नंबर दिया ना, नेक्स्ट लेवल 4, मतलब कि 1 साल की आरटीआई या 10 मैट्रिक पास, 50% एग्रीगेट एंड 40% इन इंग्लिश। मतलब आपका जो है 40% नंबर हो चाहिए इंग्लिश में। किसमें हो चाहिए? इंग्लिश में। मैथ एंड साइंस 2 ईयर्स टेक्निकल आरटीआई, 2-3 ईयर्स डिप्लोमा एंड फॉलोइंग। मतलब आप आरटीआई 2 साल वाले हैं तो भी आप फॉर्म फंसते हैं। मतलब 10+2 साइंस फिजिक्स मैथ अब्लिक 10+2 1 साल का आरटीआई कोर्स, मैट्रिक पास 2 साल का आरटीआई कोर्स, मतलब तीन लोग उसमें फॉर्म भरेंगे टेक्निकल में। अब देखिए कौन कौन सा ट्रेड है। देखिए मैकेनिक मोटर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, जियोस्मेटिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर, विजल नेविगेटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये मतलब डिप्लोमा की है। कंप्यूटर साइंस कोपा वाला भी आ गए, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों 20 स्टेट वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया, फॉर्म भर लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अग्निवीर। देखिए क्या दिया है, क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स साइंस 60% मार्क होना चाहिए आपका। ठीक है, और क्या दिया है, इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग,
मतलब कि आपका जो है 50% होना चाहिए किसमें, इंग्लिश में और मैथ में। उम्र क्या है 17.5 से 21 साल। ठीक है, अग्रिमी ट्रेड्समैन यहाँ पर 10 पास है, क्लास 10 सिंपल पास, मतलब किसी भी ट्रेड से पास आप हो। उम्र 17.5 से 21 साल। अग्रिमी ट्रेडमैन 8 पास, देखिए क्लास 8 के भी ट्रेडमैन है, ये देखिए कितना आएगा 33% मार्क होना चाहिए इसका, कितना होना चाहिए, उम्र 17.5 से 21 साल। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब हाइट दिया क्या, फिजिकल अग्निवीर जो है आर्म्स जनरल ड्यूटी के लिए 169 सेंटीमीटर, चेस्ट सीना 77, वेट एज पर मेडिकल पॉलिसी फॉर द गिवन राइट। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 159 77 सेंटीमीटर प्लस 5 मिनट फ्लाएंगे आप। अग्निवीर क्लर्क के लिए 162 है, 77 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फ्लाएंगे, प्लस स्टेट्समैन के लिए 169 और 77 चेस्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों तो उसमें क्या है, देखिए इसके जो है सैलरी, देखिए सैलरी फर्स्ट ईयर कितना पाएंगे आप, 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,000, फोर्थ ईयर में 40,000। लेकिन आपको कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 30 पाएंगे, 21 मिलेगा आपको, नौकर कट जाएगा आपका, ये होता है ना एजीएफ फंड कटेगा। सेकेंड ईयर में 33 पाएंगे तो 23 मिलेगा आपको, 9,900 कट जाएगा, मतलब एपीएफ फंड कटता है जो। ठीक दोस्तों, फिर थर्ड ईयर में 36,500 तनख्वाह है, आप पाएंगे 25,000, 10,000 कट जाएगा आपका। फोर्थ ईयर में तनख्वाह आपको 40,000 पेमेंट है, लेकिन पाएंगे 28,000 और बाकी कट जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, टोटल आपका कितना होगा, 5,02,000। ठीक दोस्तों, ये आपका है। और जब स्ट्रीम आफ्टर 4 साल बाद आप गवर्नमेंट जो कह देगी 10 लाख देगी, आप जब 4 साल बाद घर आएंगे तो गवर्नमेंट आपको निधि पैकेज देगी 10,04,000। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट आल रैली साइट, जो टाइम का दिया है 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड में पास करना है। ग्रुप 1 में 60 मार्क्स होगा, पुल अप पुल बीम होगा आपका 10 बीम 23 नंबर का, 9 फीट डीच मतलब खड्डा, ये आपको बस पास करना होता है। अब जिग जाग है, ये बैलेंस होता है, तो दाएं बाएं मतलब इसको आपको ये देखिए ये बैलेंस होते जाएंगे अपने भर्ती में, तो ऐसे ट्रेनिंग मतलब आपको उसमें चलना होता है, मतलब ऊपर चलेंगे तो मतलब बैलेंस बनाना पड़ता है, जिग जाग बैलेंस। तो दोस्तों कोई हाल ग्रुप सेकंड में है 5 मिनट 31 सेकंड में, 5 मिनट 50 सेकंड में 48 मार्क होगा, 9 बीम 33 मार्क हुआ, क्वालिटी मतलब पास होने। क्योंकि दोस्तों अभी जो दिया है, जो कैंडिडेट ओपनिंग अपेयरिंग अग्निवीर टेक्निकल एंड अग्निवीर सिक्योरिटी ओनली नीट, अभी जो दोस्तों अग्निवीर जो बच्चे भर्ते होंगे आरटीआई वाले टेक्निकल और उसमें जो सिक्योरिटी में, ये सिर्फ इनको पास होगा, ये सिर्फ जो पास करेंगे, जो इनका नंबर जो है ये कहीं उनको जो रिटर्न में टेस्ट नहीं जुड़ेगा। मतलब जो आरटीआई बच्चे हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो क्लर्क हैं, इनका जो फिजिकल का नंबर है जो, ये कहीं इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये बस इनके पास ही होगा। ठीक दोस्तों, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट, ऑनलाइन खुल गया है और जो बच्चे आरटीआई वाले हैं ये भर्ती होंगे टेक्निकल में, ठीक दोस्तों, और फटाफट अपना ऑनलाइन फॉर्म कर देंगे और अपने दोस्त बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।